हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जा रहे हैं कैलिफोर्निया एंड स्पेसिफिकली टू लॉस एंजलिस। हम डेलस से फ्लाई कर रहे हैं और मेरी एक फ्रेंड आ रही है सिएटल से डायरेक्टली लॉस एंजलिस। तो हमने डेलस से साउथ वेस्ट एयरलाइंस की थी और हमारी जो फ़्लाइट थी टिकट्स का जो कॉस्ट था दो लोगों का टू एंड फ्रो वो था तकरीबन $750। तो ये है डोमेस्टिक फ़्लाइट का कॉस्ट यहाँ पर अगर आप फ्लाई कर रहे हो विद इन USA में। और यहाँ पे कयांश की थोड़ी मस्ती चल रही है, वो फ़्लाइट के अंदर देख रहा है सारी चीज़ों को क्यूरियोसिटी से कि क्या है। और ऐसे ही धीरे धीरे हम लॉस एंजलिस पहुँचने वाले थे, हमें वहाँ पे रात मिलने वाली थी। हमें पता था टाइम जोन का थोड़ा डिफरेंस है कैलिफोर्निया में और टेक्सास में। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और हमें हमारी कार भी लेनी थी और हमारे फ्रेंड्स भी हमें वहीं मिलने वाले थे। हम लोग एक 7-सीटर कार बुक करने वाले थे अपने दोनों फैमिलीज़ के लिए। तो अन्ना बेचारे नींद में बच्चों को परेशान करते हुए माए। अच्छा ये तो अभी सो गया था, ये जस्ट जैसे लैंड हुई ना फ्लाइट आउट फोटो ले। एयरपोर्ट के आसपास ना इतना साला गंद मचाता है। तो हमने हमारी ट्रिप की जो शुरुआत की वो की सेंटा मोनिका बीच से, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चों को लेके किसी ऐसी जगह जाएं जो थोड़ी सी फ्रेंडली हो, किड फ्रेंडली हो। तो हम सेंटा मोनिका बीच जाने के लिए तैयार हो गए, हम गाड़ी में बैठ गए वहाँ जाने के लिए। चलो फिर तो लेते राजा, चलिए बहन हम फूस क्या यहाँ पे ना कितनी फड़ी लगी थी। तो जैसे ही हम सेंटा मोनिका बीच पहुँचे वहाँ पे बहुत सारे झूले थे, बहुत सारे राइड्स थी और साथ ही साथ बीच जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था। अगर आप बच्चों के साथ वहाँ जाते हो तो मेक श्योर करो कि आप बच्चों के जो सैंड टॉयज़ हैं वो लेके जाओ ताकि बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ एक दो राइड्स भी आप वहाँ पर ले सकते हो, बहुत ही प्यारा बीच है।
आ रही है बहन पिंक का मैंगो खाओगे? मुझे नहीं पता बहन, जो तुम्हें खिलाना है वो पाइनएप्पल करवा लेते। इधर देख पूजा, आप वहाँ पे नहा भी सकते हो। हालांकि जो ये पैसिफिक ओशन है बहुत ठंडा होता है इवन समर्स में भी, तो नहाने की हिम्मत तो हमने नहीं की, लेकिन हमने बीच साइड पे बहुत इन्जॉय किया और साथ ही साथ जो बाकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे थी वो सारी देख के हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे, डांस वांस भी कर रहे थे, तो मज़ा आया। ये जो प्लेस है ये बहुत ही अच्छा है, मेक श्योर कीजिए अगर आप जा रहे हो लॉस एंजलिस तो आप ये प्लेस मिस ना करो। यहाँ की जो वाइब्स हैं वो बहुत 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 डिफरेंट हैं। और यहीं से थोड़ा आगे मैलिबू बीच भी है जो कि वर्ल्ड फेमस बीच है, बहुत खूबसूरत बीच है। हम लोग वहाँ गए नहीं, लेकिन हम लोग इवेंचुअली जिस राइड पे जाने वाले हैं कल, वो हमने उसी बीच के किनारे से होते हुए लेके जाती है, बिग सर वाली राइड जो है, तो वो बीच भी हमें दिख जाएगा। लेकिन आप लोग वहाँ भी जा सकते हो, क्योंकि हमने सोचा क्यों ना एक ही बीच पर रह के हम अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें, तो हमने मैलिबू को इंक्लूड नहीं किया इसमें, वरना बहुत ज़्यादा एकदम जल्दबाजी हो जाती जो हम बच्चों के साथ नहीं करना चाहते थे। तो आप मैलिबू बीच भी जा सकते हो, वो भी काफ़ी प्यारा बीच है। साथ ही साथ एक और बीच है वेनिस बीच, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वो भी फेमस है। और हम आ गए हैं रॉस में शॉपिंग करने सर्दी के कपड़ों की, क्योंकि हम सोच के आए थे कि यहाँ गर्मी होगी, लेकिन यहाँ है ठंड और विंडी। और इन बच्चों के लिए हम लेने आए हैं सर्दी वाले कपड़े, क्योंकि हमारे बच्चे और हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इस ठंड में कैलिफोर्निया की। इसमें आगे ही होंगे शायद, रुक चेक करते हैं दूसरी साइड। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, जो कि है एलए के डाउनटाउन में। ये प्लेस भी एक मस्ट विज़िट है, क्योंकि बहुत फेमस है। यहाँ पे सारे जितने भी हॉलीवुड के स्टार्स हैं, फेमस स्टार्स हैं, उन्होंने अपने अपने नाम के जो स्टार्स हैं वो वॉकवे होता है वहाँ पे लगाया हुआ है, आप वहाँ जा सकते हो। हम भी गए थे और हम दिन में गए थे, हालांकि ये प्लेस रिकमेंडेड है शाम के टाइम, क्योंकि शाम को यहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमें प्लेसेस ज़्यादा कवर करने थे, तो हम ये जगह गए सुबह सुबह। आप यहाँ पर जाके आराम से वॉक कर सकते हो। मैडम टुसाड का म्यूज़ियम
है और थिएटर है, बहुत सारी फेमस जगह हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो, आपके जो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके सिग्नेचर्स, उनके नाम और उनके जो स्टोन्स हैं वो रोड के ऊपर इंस्टॉल्ड हैं काफ़ी जगह पे, तो आप वो चीज़ें ढूंढ सकते हो अगर आपको ऐसी चीज़ें पसंद हैं तो। हमने भी कोशिश की ढूंढने की अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस के नामों को, और थोड़ा बहुत घूमा हमने यहाँ पर, ज़्यादा और कुछ कर नहीं पाए। मोस्टली लोग बिवरली हिल्स भी जाते हैं जहाँ से हॉलीवुड का साइन दिखता है, वहाँ हम नहीं जा पाए, मे बी नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो जाएंगे। आई होप आपको ये हमारा जो व्लॉग है एपिसोड 1 ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।